नमस्कार, मैं हूं दीपाली। मनीग्रू में आपका स्वागत है और आज के शो में हम बात करेंगे सेविंग्स की, यानी बात करेंगे आपके निवेश की। बताने की कोशिश करेंगे शो के जरिए आपको कि आखिरकार आपकी निवेश की रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हैं ताकि आप मुनाफा कमा सकें। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं नेल्सन डिसूजा, डिप्टी एमडी आईफास्ट फाइनेंशियल। स्वागत है नेल्सन जी आपका मनीग्रू में। नमस्कार। और सवाल जो आपका सिलसिला शुरू करने से पहले शो से जुड़ने का तरीका आपको बता देते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, हमारे एक्सपर्ट्स की आप एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप ईमेल और एसएमएस के जरिए शो के साथ जुड़ सकते हैं। ईमेल करने के लिए moneygrew@znetwork.com पर आप ईमेल करें। इसके अलावा अपना सवाल लिखें, सेव लिखकर अपना सवाल लिखें, उसको सेंड करें 57575 पर। अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले कॉलर निमिष शाह गुजरात से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है निमिष आपका मनी ग्रो में, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग सर। आई एम एट द एज ऑफ 46 प्रेजेंटली जी, एंड आई एम इन माय बिजनेस। आई इंटेंड टू गेट रिटायरमेंट बाय द एज ऑफ 60 जी, एंड एट दैट एज आई लुक फॉरवर्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ अराउंड 5 crore प्लस जी। फॉर दैट व्हाट आई लुक फॉरवर्ड इज, कैन यू गाइड मी रिगार्डिंग द अमाउंट टू बी सेव्ड पर मंथ, एट द सेम टाइम इंस्ट्रूमेंट वेयर आई शुड इन्वेस्ट दिस पर्टिकुलर अमाउंट विच यू आर गोइंग टू सजेस्ट मी। निमिष, फिलहाल क्या आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? वेल प्रेजेंटली आई हैव इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 40 lakhs इन म्यूचुअल फंड जी, एंड इन एडिशन टू दैट आई हैव अ मंथली एसआईपी ऑफ ₹1 lakh इन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप एंड डिस्कवरी प्लान, आईसीआईसीआई डिस्कवरी। बिल्कुल, जान लेते हैं नेल्सन करोड़पति बनना चाहते हैं, 5 crore ये कमाना चाहते हैं 14 years में, क्योंकि फिलहाल ये 46 years ओल्ड है। 60 years यानी अपने रिटायरमेंट की एज पर ये करीब 5 crore rupees अर्न करना चाहते हैं। आपसे जानना चाहते हैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए कितना और कहां इनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्होंने जिस तरह से बताया कि ऑलरेडी 40 lakh rupees इन्होंने पार्क किए हुए हैं म्यूचुअल फंड्स में, इसके अलावा 1 lakh rupees की इनके एसआईपी भी चल रही है आईसीआईसी प्रूडेंशियल के फंड में। अब आपका क्या व्यू होगा इनकी मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए? देखिए, यहाँ से 40 lakh को हम अवॉइड करके देखें और सिर्फ यहाँ से कुछ नया फ्रेश स्टार्ट करके निवेश करके उसके ऊपर प्लानिंग करें, तो जो नंबर मेरे सामने जो आ रहा है वो 1,37,400 रुपये का है। इस अमाउंट को वो हर महीने निवेश करेंगे अगले 14-15 साल तक, तो आराम से वो अपना जो 5 crore का जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे। इन्होंने यहाँ ये भी पूछा है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट सबसे अच्छे हैं निवेश करने के लिए। मेरे नज़रिए से म्यूचुअल फंड सबसे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्योंकि आप इस तरह के अमाउंट के लिए थोड़ा रिस्क आपको लेना चाहिए। यहाँ पर मैंने जो उनको अमाउंट बताया वो 10% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से है। मेरे पास कुछ फंड्स हैं जो मैं उनको ब्रेकअप करके देता हूँ। उनका अभी ऑलरेडी 1 lakh का SIP चल रहा है, तो यहाँ से वो इस 1 lakh के SIP को बढ़ा के 1,37,400 रुपये तक लेके जाएंगे, तो यहाँ से लेके वो इस अमाउंट को जुड़ा पाएंगे। इस ब्रेकअप को मैं बता देता हूँ। इस अमाउंट का 30% जो है आप लार्ज कैप फंड्स में डालें। मैं आपको दो फंड देता हूं यहां पर, ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड में डालें। 20% आप मिड कैप फंड में डालें जहां पर थोड़ा और रिस्क लेना पड़ेगा आपको। IDFC स्टर्लिंग इक्विटी और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में डालें। 25% आप मल्टी कैप फंड्स में डाल दें, UTI अपॉर्चुनिटीज फंड और रिलायंस इक्विटी फंड में डालें। 10% आप सेक्टर फंड में डालें जहां पर मिड कैप से थोड़ा ज्यादा रिस्क है मगर यहां रिटर्न्स भी ज्यादा ही मिल सकते हैं जैसे सेक्टर अच्छा करेगा। रिलायंस बैंकिंग फंड इसके लिए सबसे बेहतर फंड है। और 15% आप एक बैलेंस फंड में डालें, HDFC प्रूडेंस फंड आपके लिए सबसे अच्छा फंड रहेगा। यहां पर हर साल एक बार आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करते जाएं और देखें कि परफॉर्मेंस है कि नहीं और उसी बेसिस पे आप डिसीजन ले लें। बिल्कुल, यानी निमिष जी जो आप मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं SIP के जरिए 1 lakh की, उसको थोड़ा और बढ़ाइए, करीब 1,37,000 या फिर 1,38,000 का पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और 10% का एक हम कंजर्वेटिव रिटर्न मान के चले कि आपको म्यूचुअल फंड्स में मिलता है लॉन्गर रन में, तो आप आसानी से 14 साल में अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। जिस तरह से नेल्सन ने यहाँ पर बताया कि आप लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, सेक्टर फंड्स मिलाकर एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन से चुनिंदा फंड्स आप सभी कैटेगरी से चुन सकते हैं, ऑप्शंस आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
और आगे बढ़ते हैं अगले कॉलर हेमंत बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है हेमंत आपका मनी गुरु में, सवाल पूछिए अपना। सर मैं 2008 में ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर फंड पावर में डाला था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अच्छा नहीं कर रहा है, तो इसे क्या करना है? बिल्कुल, जान लेते हैं नेल्सन से। नेल्सन जी, रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर फंड, इस फंड में इन्होंने लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया था 50,000 का 4 साल पहले, क्योंकि पावर सेक्टर में धीमा पड़ रहा, तो जाहिर है उसका असर इस फंड की परफॉर्मेंस पर देखने को मिला है। फिलहाल इनको लॉसेस हो रहे हैं, आपसे जानना चाहते हैं क्या इनको एग्जिट करना चाहिए या फिर बने रहें, क्या कहेंगे? देखिए, पावर फंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में आता है। कुछ सालों पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक थीम बहुत ज़्यादा चल रहा था, म्यूचुअल फंड्स ने बहुत सारे थीम्स लॉन्च किए थे इंफ्रास्ट्रक्चर में। मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ पॉलिसी पैरालिसिस इश्यूज़ की वजह से टेक ऑफ कर नहीं चुकी है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी स्पेशली और पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश में अपने डेवलपमेंट के लिए। तो मेरा व्यू ये है कि आप इस फंड को आप होल्ड करके रख लें, क्योंकि अगले कुछ सालों में पॉलिसी इनिशिएटिव्स और आने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं, एग्जीक्यूशन हो रहा है, आप कुछ और थोड़ा इस पे पेशेंस रख के इसको होल्ड कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर रिटर्न्स मिल सकते हैं। आज के तारीख में देखा जाए तो हाँ अच्छा नहीं कर रहा है, मगर आप इसको थोड़ा टाइम दे दें, मुझे लगता है कि रिटर्न्स यहाँ मिल सकते हैं। बिल्कुल, यानी यहाँ पर जिस तरह से नेल्सन जी ने बताया कि भले ही इस फंड परफॉर्मेंस से खराब रही हो, लेकिन जिस तरह से सरकार काफी अग्रेसिव है नए पॉलिसी एक्शंस को लेकर, पॉलिसी इनिशिएटिव्स को लेकर, तो जाहिर है आगे चलकर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर पावर सेक्टर की परफॉर्मेंस में सुधार देखने को मिल सकता है। इसीलिए फिलहाल आप इस फंड में अपने निवेश को थोड़ा समय और दें और फिलहाल इसमें बने रहें। अगला हमारे पास ईमेल है मोहित शर्मा का दिल्ली से। नेल्सन जी, सवाल इनका बता देती हूँ। गिल्ड फंड्स में ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 30 ईयर्स इनकी एज है और 50,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। अब आपसे जानना चाहते हैं कि इन्होंने किसी इन्वेस्टर से सुना है कि गिल्ड फंड में इन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, आपका भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये फंड होते क्या है और क्या जिस तरह से ब्याज दरों में गिरावट आरबीआई की ओर से की जा रही है उसको देखते हुए क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक होगा, फिलहाल क्या कहेंगे? गिल्ड फंड्स जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सिक्योरिटीज़ होते हैं उनको ज़्यादातर क्रेडिट रिस्क फ्री माना जाता है, मतलब यहाँ पर डिफॉल्ट और रीपेमेंट का रिस्क सबसे कम होता है, जीरो में कभी किसी चीज़ पे बता नहीं सकता हूँ, बट हाँ ओवरऑल सेफ माने जाते हैं। गिल्ड फंड्स या गिल्ड सिक्योरिटीज़ जो हैं इनका ग्रोथ तब बनता है जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं। इन दोनों के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। हाँ, आजकल बहुत बातें हो रही हैं कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो थोड़े से घटने वाले हैं, इसके बेसिस के हिसाब से जाएंगे तो गिल्ड फंड सबसे अट्रैक्टिव बन जाते हैं यहाँ से। मगर यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपकी एंट्री और एग्जिट आपको अच्छी तरह से टाइम करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ होते हैं वो इंटरेस्ट रेट के न्यूज़ फ्लो के बेसिस पे चलते हैं, तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स के मूवमेंट होते हैं उसी हिसाब से इन सिक्योरिटीज के अंडरलाइंग रिटर्न्स में भी इंपैक्ट होता है, इसलिए आपको इसका टाइमिंग ठीक से देखना चाहिए। मेरे पास दो फंड्स हैं आपके लिए, आप ICICI प्रूडेंशियल गिल्ड फंड इन्वेस्टमेंट प्लान या बिरला सन लाइफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड लॉन्ग टर्म प्लान में निवेश कर लें। इन दोनों फंड्स में मेरे हिसाब से ज्यादा पोटेंशियल है आपको गिल्ड रिटर्न दिलाने में। बिल्कुल, यानी मोहित जी जिस तरह से नेल्सन जी ने आपको यहाँ पर बताया कि गिल्ड फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होता है, जिस तरह से आमतौर पर जब ब्याज दरों में गिरावट देखने को मिलती है तो इन सिक्योरिटीज़ की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नेल्सन जी ने कही कि ये पूरी तरह से आप प्लान करें कि कितना समय आप अपने निवेश को देंगे और पूरी स्ट्रैटेजी को प्लान करके ही आप इसमें एंट्री करें। फिर भी यहाँ पर इन्होंने दो फंड्स आपको बताए हैं, ICICI प्रूडेंशियल गिल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान आप चुन सकते हैं या फिर बिरला सन लाइफ का GSF लॉन्ग टर्म प्लान आप ऑप्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ एक छोटे ब्रेक के रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए मनी गुरु। मनी गुरु में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं नेल्सन डिसूजा, डिप्टी एमडी आईफास फाइनेंशियल से। और कुछ और कॉलर्स को शो में जोड़ने से पहले एक बार फिर इस शो से जुड़ने का तरीका आपको बता देते हैं। अगर आपके पास सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, तो आप ईमेल करें moneyguru@zeenetwork.com पर। इसके अलावा आप SMS कर सकते हैं, सेव लिखकर अपना सवाल आप लिखिए और उसको भेज दीजिए 57575 पर।
और आगे बढ़ते हैं अगले कॉलर विशाल ओझा बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है विशाल आपका मनी गुरु में, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मैंने अपने कुछ इन्वेस्टमेंट बताए हैं जिसमें 8000 के म्यूचुअल फंड है, HDFC 200, 3000, HDFC प्रूडेंस 3000 एंड ICICI डायनेमिक 2000। अभी मैं 6 से 10 हजार और इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मेरे कुछ गोल है उनको अचीव करने के लिए, मुझे किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल, HDFC प्रूडेंट जो फंड है वो मैं बंद करके कुछ 100% इक्विटी शुरू करना चाहता हूँ। बिल्कुल, जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट का क्या व्यू है। नेल्सन जी, इनकी एनुअल इनकम तो करीब 7.5 लाख है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया फिलहाल ये करीब 8000 पर मंथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 3 फंड्स इनके पास हैं, HDFC टॉप 200, HDFC प्रूडेंस और ICICI प्रूडेंशियल डायनामिक। इसमें फिलहाल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं एडिशनल 6 to 10 thousand इनिशियली ये इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं पर मंथ, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। 3 टारगेट्स हैं इनके, एक तो इनको रिटायरमेंट के समय इनको रकम चाहिए, उसके लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं 20 से 25 साल बाद रिटायरमेंट के लिए। दूसरा 5 साल बाद 30 लाख रुपये इनको चाहिए घर खरीदने के लिए, इसके अलावा अपने बच्चे के हायर एजुकेशन और मैरिज एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए भी एक पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहते हैं। एक इन्होंने यहाँ पर इन्होंने बताया क्योंकि जो इनके टारगेट्स हैं, जो भी इनके होराइजन है, वो सब लॉन्ग टर्म है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या प्योर इक्विटी की तरफ इनको एक्सपोजर लेना चाहिए, क्या कहेंगे? हाँ जी, यहाँ पर इनका जो जो आउटलुक है ये लॉन्ग टर्म है, तो यहाँ पर इनको इक्विटी की तरफ ही देखना चाहिए। मैं एक एक करके उनके क्वेश्चंस का आंसर दे देता हूँ। पहले इनका जो एडिशनल अमाउंट जो उन्होंने बताया 6 से 8 हज़ार जो है, उसके लिए मैं उस ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ फंड दिलाना चाहता हूँ। ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड, IDFC स्टर्लिंग इक्विटी फंड और UTI अपॉर्चुनिटीज फंड, ये 3 फंड जो हैं आपके लिए सबसे बेहतर फंड है। आपका जो एडिशनल अमाउंट है आप इन फंड्स में निवेश कर लें। आपने ये भी पूछा है कि आपको ETF में, गोल्ड ETF में निवेश करना है और आपको आपको राय चाहिए कि कितना निवेश करना चाहिए। देखिए, आपके पोर्टफोलियो में 5 से 10% जो है वो गोल्ड में होना चाहिए, क्योंकि इससे आपके आपके पोर्टफोलियो को जो हेज चाहिए इन्फ्लेशन के अगेंस्ट वो आपको मिल जाएगा। आपके लिए मैं 2 ETF रिकमेंड करना चाहता हूँ, कोटक गोल्ड ETF और ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF। इन 2 ETFs की तरफ आप देख के आपका निवेश शुरू कर सकते हैं। आपने बताया कि आप 30 लाख 5 साल में जुड़ाना चाहते हैं आपके घर के रिक्वायरमेंट के लिए जो हाउसिंग है। आप इस अमाउंट को अचीव कर पाएंगे यदि आप हर महीने आप 38,700 रुपये निवेश कर पाएंगे। यहाँ पर आपको 10% रेट ऑफ रिटर्न पकड़ के जाना पड़ेगा। चाइल्ड एडुकेशन और मैरिज जो आपने बताया, इसके लिए मैं आपको एक पोर्टफोलियो बता देता हूँ। आप जो आप एक अलग सा अमाउंट, अलग सा एक कॉर्पस या पोर्टफोलियो बना के इन पर्टिकुलर फंड्स में निवेश कर लें। 40% आप लार्ज कैप फंड्स में डालें, ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड में निवेश कर लें। 30% आप मिड कैप फंड में डालें, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और SBI इमर्जिंग बिजनेस फंड। 20% आप डालें मल्टी कैप फंड्स में, UTI अपॉर्चुनिटीज फंड और IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड में डालें, और 10% इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में डाल सकते हैं। पाइन ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड और रिलायंस बैंकिंग फंड इसके लिए सबसे बेहतर है। ओवरऑल आपने आपने जो पोर्टफोलियो मुझे जो दिखता है मेरे सामने, मुझे ओवरऑल सबसे अच्छा पोर्टफोलियो लगता है। आपने ये पूछा था कि क्या HDFC प्रूडेंस की जगह और कोई फुल इक्विटी फंड में निवेश कर ले। मुझे लगता है कि आपको HDFC प्रूडेंस को होल्ड ऑन करना चाहिए क्योंकि इस फंड में पोटेंशियल है। इसके अलावा कोई और फंड मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है जहां आप इसको रिप्लेस करें, आप इसी फंड को कंटिन्यू कर लें। चलिए, उम्मीद है विशाल आपको आपके सवाल का जवाब मिल पाया होगा। पूरी डिटेल यहाँ पर नेल्सन जी ने आपको देने की कोशिश की कि किस तरह का पोर्टफोलियो आपका फर्दर होना चाहिए आपके टारगेट्स को ध्यान में रखकर। अगला ईमेल है हमारे पास नेल्सन जी, अश्विनी वासुदेवा का देहरादून से। PPF अकाउंट के बारे में इनका क्वेश्चन है, जानना चाहते हैं क्या माइनर के नाम पर ये PPF अकाउंट खोल सकते हैं। साथ साथ ये भी जानना चाहते हैं अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं माइनर के नाम पर PPF अकाउंट में तो टैक्स का जो लाभ है वो किसको मिलेगा। आप माइनर के नाम पे PPF में निवेश कर सकते हैं, मगर आपको आपको गार्डियन बनके, पेरेंट्स को गार्डियन बनके फर्स्ट होल्डर बनना पड़ेगा। ओनली माइनर विदाउट गार्डियन होता नहीं है। आपको इसमें टैक्स रिबेट तभी मिलेगा जब आप इसके साथ जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं, तभी आपको इसमें टैक्स ब्रेक मिलेगा। मैक्सिमम आप 1 लाख तक साल का PPF अकाउंट में निवेश कर सकते हैं। आप
कोई भी पोस्ट ऑफिस या प्राइवेट बैंक जैसे ICICI बैंक में जाके इस खाते को आप खोल सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी अश्विनी जिस तरह से नेल्सन जी ने बताया माइनर के नाम पर PPF अकाउंट है वो खोल सकते हैं। यहाँ पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 1 लाख का ही होगा, और इसके अलावा अगर आप अपनी रकम को वहाँ पर निवेश कर रहे हैं तो जाहिर है आपको जो टैक्स का जो लाभ है वो आप ही को मिलेगा। अगले कॉलर अजय माथुर फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है अजय आपका मनी गुरु में, सवाल पूछिए अपना। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, सवाल पूछिए। तीन म्यूचुअल फंड हैं जिनमें मैं 2000 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और इसके बिसाइड दैट इसके PPF अकाउंट भी है मेरा जी, एंड माय एज एज ऑफ नाउ इज 24 इयर्स, सो 10 इयर्स में 2 करोड़ अचीव करने का टारगेट है, तो क्या मैं अचीव कर पाऊंगा 10 इयर्स में 2 करोड़ रुपीज आप? सॉरी नॉट 20 करोड़। जी ठीक है, जान लेते हैं नेल्सन जी से। नेल्सन जी काफ़ी अग्रेसिव टारगेट है इनका, फिलहाल तो ये सिर्फ 6000 रुपये पर मंथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 3 फंड्स इनके पास है, HDFC टॉप 200, HDFC इक्विटी और DSPBR टॉप 100। इसके अलावा PPF में भी इन्होंने 40000 रुपये ये एनुअल इन्वेस्ट करते हैं। अब आपसे जानना चाहते हैं कि 10 ईयर्स में 20 करोड़ अर्न करना चाहते हैं, उसके लिए इनका मौजूदा पोर्टफोलियो कैसा है, साथ ही साथ कितना और इनको इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि अपने टारगेट को अचीव कर पाएं? देखिए ऑब्वियसली जो करंट अमाउंट जो है इसके बेसिस पे आप तो 20 करोड़ तो एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे 10 इयर्स में, बिकॉज यहाँ पर आपको 100-300% रिटर्न के हिसाब से जाना पड़ेगा हर साल, तो इतना तो नहीं बनेगा। मगर हाँ मैं थोड़ा सा रैशनलाइज्ड होके आपको एक नंबर बताता हूँ। 1 करोड़ आप 10 साल के लिए लेके जाएंगे तो आपको लगभग 48,800 रुपये हर महीने निवेश करके 10% का रिटर्न आप कमा पाएंगे अपने पोर्टफोलियो पर, तो आप ओवरऑल एक करोड़ का 10 साल में गोल आप अचीव कर पाएंगे। 20 करोड़ 10 साल में अमाउंट बहुत बड़ा बन जाएगा, और आपके रिटर्न्स भी बहुत हेवी होने चाहिए। इसके लिए आपको ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा हर महीने, और एक आपको हायर रिटर्न का एक एक्सपेक्टेशन रखना पड़ेगा। आपका जो करंट पोर्टफोलियो है मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये ज़्यादातर लार्ज कैप फंड्स की तरफ अलाइंड है। आपकी उम्र छोटी है, ज़्यादातर जब आपका जो होराइजन लॉन्ग टर्म है और अब जब आपकी उम्र छोटी है तो आपको थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। रिस्क लेने के लिए आप मिड कैप ऑफ सेक्टोरल फंड में निवेश कर सकते हैं। इन फंड्स के अलावा जो आपके आपने निवेश किए हुए हैं अभी, इनके अलावा आप इन फंड्स को भी ऐड कर लें। IDFC स्टर्लिंग एक्विटी फंड, SBI इमर्जिंग बिजनेस फंड, रिलायंस बैंकिंग फंड और पाइनब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड, इन फंड्स में आप निवेश कर लें और आपके पोर्टफोलियो को वो एक्स्ट्रा एज दे दें, जिससे रिस्क बढ़ेगा मगर रिटर्न्स भी बढ़ेंगे जैसे जैसे मार्केट बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल, यानी अजय अगर 20 करोड़ की बात करें 10 इयर्स में तो काफ़ी मोटा अमाउंट आपको मंथली इन्वेस्ट करना होगा। एक जिस तरह से जनरल व्यू यहाँ पर नेल्सन ने दिया आपको कि अगर 1 करोड़ भी हम मान के चले 10 इयर्स में तो उसके लिए भी आपको हर महीने करीब 48,000 रुपये निवेश करने होंगे पर मंथ, तब जाके आप कहीं 1 करोड़ कमा पाएंगे। उसी हिसाब से 20 करोड़ कमाने के लिए आप सोच लीजिए कि आपको कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा। वहीं आपके मौजूदा पोर्टफोलियो की बात करें तो काफ़ी लार्ज कैप ओरिएंटेड है। अगर आप आगे चल के अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं जिस तरह से यहाँ पर आपको बताया है कि कितना इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा 1 करोड़ पाने के लिए 10 साल में, तो आप लार्ज कैप की बजाय मल्टी कैप, मिड कैप या फिर सेक्टर फंड्स की ओर अपना झुकाव आप बढ़ाएं और डाइवर्सिफिकेशन देने की कोशिश करें अपने पोर्टफोलियो को। और आज इतने ही कॉलर्स इस शो में हम शामिल कर पाएंगे। शुक्रिया नेल्सन जी शो के साथ जुड़ने के लिए और सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल मनी गुरु में इतना ही, आप देखते रहिए जी बिजनेस आपका फायदा। नमस्कार।